नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाली हूँ, जिसका माप 42 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने सिंपल ब्लाउज का पीस लिया हुआ है जो 90 सेंटीमीटर है। इसमें लाइनिंग नहीं लगानी है ब्लाउज में, और ब्लाउज का जो माप है वो 42 साइज का है। अब कपड़े को इस ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब कपड़े को मैं ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी लंबाई की तरफ से, और ये जो फोल्ड है वो बस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन। अब आप मार्जिन 1 इंच मिनिमम रख सकते हैं या 1.5 इंच 2 इंच, जितना आपको समझ में आए। और यहाँ पर मैंने 13.5 पर ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। पहले मैं बैक पार्ट निकालूंगी ब्लाउज़ का, पीछे का भाग। ये जॉइंट है, इधर से उधर से माप रही हूँ। जो जुड़ा हुआ भाग है वो अपनी तरफ रखा है, और खुला हुआ भाग जो है वो दूसरे साइड है। ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखा है, 16 इंच पर निशान लगाया। और यहाँ पे शोल्डर का हाफ रहेगा, क्योंकि डीप नेक है इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर 5 लिया है। नेक की ब्रॉडनेस 2 इंच ली है, और नेक की जो लेंथ है वो 10 इंच रहेगी। डीप गला है इसलिए शोल्डर भी कम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मैं नेक का निशान लगा रही हूँ, नेक की लंबाई की। और यहाँ पे आर्म होल लेंथ जो है वो 5.5 रखेंगे। यहाँ पर आर्म होल लेंथ 5.5 है, और इधर से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ एक 6 इंच पर पॉइंट लगा लिया, और इस प्रकार से मिला लेंगे ये पॉइंट को, जो 6 इंच पे पॉइंट लगाया था और 5.5 पर, उसे इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। अब चेस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन, तो यहाँ पे चेस्ट 42 का 1/4 10.5 आएगा, 10.5। अब उसमें मैंने मार्जिन जो है वो 1.5 इंच रखा है, 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। ये बैक का भाग है। अब आर्म होल का शेप दे देंगे इस प्रकार से, ये आर्म होल का शेप हो गया। अब नेक पर आ जाएंगे। नेक ऊपर की विड्थ जो 2 इंच थी, और नीचे मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं, जितना आपको ब्रॉड पहनना हो। अब ये इस थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसे इस प्रकार से गोलाई में शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पे साइड का है। अब जो मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया था उसे निशान लगा रही हूँ, और ऐसे सीधे करके मिला लेंगे निशान को। ये निशान जो है वो इस प्रकार से मिला लेंगे। अब नेक की ब्रॉडनेस से यहाँ से मैंने 1/4 इंच लिया है, ये डार्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। और जो नेक की लेंथ है, डार्ट जो है वो उसके नीचे से रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा डार्ट। तो नेक की जो लेंथ है उसके नीचे से मैंने डार्ट का ये निशान लगा दिया है, ये से। अब इसे कटिंग कर लूँगी। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है साइड से, ये जो खुला हुआ भाग है उधर से लूँगी, क्योंकि फ्रंट में हुक एंड आई होती है, इसलिए मैंने ये खुला हुआ भाग की तरफ से मैं ये कटिंग कर रही हूँ। इधर से मैं 5 इंच लूँगी, और 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है जो कि आई एंड हुक के लिए है। यहाँ पर ये क्रॉस पट्टी के लिए, ये क्रॉस पट्टी वाली ब्लाउज है इसलिए 13.5 पे निशान लगाया है। और ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 18 इंच पर, क्योंकि ये कपड़ा इसी में मोड़ना है, इस एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से रख के नहीं मोड़ना है, इसलिए मैंने इसे 18 इंच पर निशान लगाया है।
यहाँ पर नेक की लंबाई जो है वो 6.5 है। अब जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 1/2 इंच के करीब, उसे इस प्रकार से मिला लेंगे ऐसे। अब नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 2 इंच रहेगी और यहाँ पर 5.5 रहेगा। आर्म होल लेंथ जो है वो उधर इधर से 5.5 और इस साइड से भी 5.5 रहेगा। आर्म होल की लेंथ जो है फ्रंट और बैक में दोनों सेम रहेगी 5.5, और जो नीचे मैंने निशान लगाया था वो बैक में 6 पे लगाया था और इधर से 5.5। अब यहाँ पे सेम वही बस्ट का 1/4 प्लस बैक में मैंने 1.5 इंच प्लस किया था, इस मार्जिन लिया था, इसमें 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह डार्ट्स वगैरह पड़ेंगे तो ये कपड़ा जो है थोड़ा सा खींचेगा, इसलिए मैंने इसमें फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब नेक की विड्थ यहाँ पे 2 इंच ली है और ऐसे चकोर निशान लगा कर राउंड शेप लगा लेंगे और यहाँ पे क्रॉस पट्टी के लिए मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ 13.5 इंच ऊपर से माप के, और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और थोड़ा सा ऐसे शेप लगा देंगे। यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे डार्ट के लिए मैंने 3.5 लिया है और ऊपर से 9.5 और ऐसे करके पॉइंट लगा लेंगे एक, और इधर से 1 इंच का गैप रहेगा। 1 इंच का गैप देके ऐसे सीधे निशान लगा लेंगे और इस साइड से भी 1 इंच का ही गैप रहेगा और इस प्रकार से सीधे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 2.2 की गैपिंग रहेगी और यहाँ भी 2.2 की गैपिंग रहेगी और ऐसे सीधे डार्ट का निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट भी हो चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसका जो निशान है वो ऐसे दूसरा भी भाग ऐसे रख के थोड़ा नाखून से प्रेस करके तो दूसरे में भी इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें ब्लाउज़ की स्लीव्स निकालनी है, तो ऐसे डबल फोल्ड पहले कपड़े को करेंगे और फिर 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड वहाँ तक करेंगे बस्ट का 1/4 जितना आएगा, 10.5 है, मैंने 10 इंच पर 10 इंच भी आप रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ ब्लाउज़ की स्लीव की लेंथ देख रही हूँ 7.5 है और यहाँ पर ये कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है तो मैं इसमें जोड़ डालूँगी, थोड़े 1.5 इंच के करीब इसमें जोड़ पड़ेगा, 10 इंच में रखूँगी इसकी चौड़ाई, तो मैं इससे बोर्ड पर ही निशान लगा ले रही हूँ जिससे मुझे काटने में थोड़ा ईजी लगेगा। और इधर से जो इसकी गहराई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी और ऐसे ऊपर से मिला के इस तरह से शेप लगा देंगे, ये कटिंग कर लेंगे। अब मुझे जो जोड़ लगाना है वो इस ये जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें ऐसे यहाँ पे साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से सिल लेंगे साइड से और ये 10 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे छांट लूँगी मैं। अब ये IN हुक के लिए है तो मैंने 2 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इधर 3 इंच के करीब है, ये से पट्टी 2 निकाल ली है। और गले की जो फिनिशिंग के लिए मैं ऐसे पाइपिंग लगाऊंगी इस पर। ये मेरा बैक पार्ट है,
इसे मैंने जो यहाँ पर ऐसे डार्ट लगाया है इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, ये, और इस पे इधर आधा इंच के करीब ऐसे यहाँ से जाएगा और इधर ये ऊपर की तरफ निशान रहेगा। चलिए इस पे सिलाई करते हैं। इस वाले को भी उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर चौड़ा और यहाँ पे आते आते पतला। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट है, दोनों को इस प्रकार से रखेंगे जिसका निशान जो है वो ऐसे रहना चाहिए। अब इसे भी उसी प्रकार से सिलेंगे, यहाँ पर इस ऐसे चौड़ा और इधर पतला। इस वाले डार्ट को ऐसे थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेंगे और इस तरह अब इस पे सिलाई लगानी है यहाँ पर। ये जो 1.5 इंच के 1.5 से 2 इंच की पट्टी है उसे दाएं तरफ रखेंगे और ये जो 2.5 से 3 इंच के करीब की जो पट्टी है वो बाएं तरफ रहेगी। अब ये जो ये पट्टी है इसे सीधे तरफ रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब टाके को बढ़ा लेंगे और इस पे जो है वो बड़ी वाली करेंगे। अब इस पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ उल्टे साइड और ऐसे मोड़ के ये वाले भाग पे सिलाई अभी मैं लगा रही हूँ, बाद में यहाँ पे तुरपाई होगी। अब लेफ्ट वाले साइड में इस वाले भाग को इस प्रकार से उल्टा रखेंगे और जो ये 2.5 से 3 इंच की पट्टी है उसे यहाँ से जोड़ेंगे उल्टे साइड से। ये इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे रख के यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अभी बैक पार्ट को लेंगे, इसका सीधा भाग और इसका फ्रंट, इस पे इस प्रकार से दोनों को रख के इसका शोल्डर जो है वो ऐसे जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे शोल्डर इसकी सिलाई लगा लेंगे। बाजू पर आते हैं, बाजू में मुझे ये कपड़ा कम था तो फिर ये थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। अब इस प्रकार से ऐसे दोनों सीधा भाग ऐसे रख के बराबर से बिल्कुल फ्रंट में मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की थी क्योंकि इसमें जोड़ लगाना था बाजू में, तो मैं अब कटिंग करने जा रही हूँ।
है, ये फ्रंट का है, ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसका जो तुरपाई वाला भाग है उसे मैं ऐसे कच्ची सिलाई कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी अभी, फिर बाद में इसे खोल के तुरपाई हो जाएगा। पर मैं जो बड़ा वाला टाका चलाऊंगी, फिर तुरपाई करने के बाद ये टाका जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो गहराई वाला भाग है इसे इसका भी ये उल्टा रहेगा और ये जो बाजू है वो सीधी रहेगी, और इसका गहराई ये ऐसे ले लिया है मैंने। यहाँ पे सेंटर में मैंने इस प्रकार से निशान लगा लिया है, इसका सेंटर मैं ऐसे इसे उठाऊंगी और इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे मिलाकर ये बाजू इसमें जुड़ जाएगा, ये सीधा और ये सीधा एक तरफ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ से मैं अब सिलाई लगाऊंगी। अब इसके दूसरे तरफ भी उसी प्रकार से रखूंगी, ये उल्टा भाग है, ये बाजू का सीधा भाग है, यहाँ सेंटर में मैंने यहाँ निशान लगा लिया है, इसको इधर से बाजू डालिए, चाहे आप इधर से डालिए, ये ऐसे सेंटर में ऐसे मिलाकर फिर सिलाई लगा लेनी है। अभी यहाँ पे बाजू का की गुलाई की यहाँ निशान और यहाँ पे इस प्रकार से निशान लग गया है, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई यहाँ थोड़ा सा हटके लगा देना चाहिए कि आपको परेशानी ना हो, अगर ब्लाउज ढीली या टाइट हो तो वो सिलाई जो है वो खुल सकती है। साथ साथ में ये धागे भी कट करते रह जाना चाहिए जिससे फिनिशिंग रहती है। अब नीचे ये जो है कमर, यहाँ पे भी तुरपाई होगी तो मैं इसे कच्ची सिलाई लगा लूँगी ऐसे इस प्रकार से मोड़कर। यहाँ पर मैंने सिंगल फुट का यूज किया है ये पाइपिंग लगाने के लिए। अब इस प्रकार से रखेंगे, ये ब्लाउज जो है वो सीधा रहेगा और ये पाइपिंग जो है ये यहाँ पर ये पाइपिंग है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इसे इस प्रकार से रखकर ये सिलाई लगा लेनी है। मैंने पाइपिंग का वीडियो इसके पहले भी बना रखा है, सिर्फ पाइपिंग गले की फिनिशिंग का, आप चाहें तो उसमें वीडियो मेरा देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में मेरे वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।